पाक युद्ध से विजय को लेकर के स्वर्णिम विजय वर्ष मशाल महू पहुंचा है। आइए इसी को लेकर बात करते हैं महू से हमारे संवाददाता प्रकाश सिसोदिया के साथ। तो प्रकाश जी बताएं आखिर किस तरीके से स्वर्णिम विजय वर्ष मशाल का स्वागत किया गया महू में? हाँ मैम, बता दूं आपको कि महू के अंदर इसको बड़े ही धूमधाम से इसका स्वागत किया गया विजय ज्वाला का। जी हाँ, वह 18 सितंबर को नागपुर से महू पहुंचा था। जी हाँ, जैसे कि इस तरह से कई लेफ्टिनेंट जनरल, वाइट डिवीजन जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ, सेंट्रल कमांडर की ओर से पूरे सैन्य सम्मान के साथ प्राप्त किया गया है। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से आपके द्वारा बताया जा रहा है कि ये नागपुर से चलकर महू पहुंचा है, तो कितना समय लगा इस मशाल को महू पहुंचने में और कितने दिन पहले निकल चुका था नागपुर से? हाँ मैम, ये 18 सितंबर से नागपुर से यहाँ महू पहुंचा था। जैसे कल भी यहाँ पे जैसे रविवार को स्वर्ण विजय का मशाल सेंट्रल कमांडेंट एरिया जो था वहाँ पे DSO बिल्कुल इस वहाँ कई जैसे ऑफिसरों को इस गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जी। और स्टेशन कमांडर महू में जो छावनी और माल्यार्पण किया गया था। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, मैं जानना चाहूंगी कि लोगों में, स्कूली बच्चों में, नागरिकों में कितना उत्साह इस दौरान देखने को मिला? क्या भारत माता के जय घोष के नारे भी गुंजायमान हो रहे थे? जी जी मैम, बताना चाहते क्या क्या नागरिकों, जैसे आम नागरिक, NCC कैंडिडेट, नागरिक, स्कूली बच्चों ने गर्व से भारत माता की जय के साथ विजय ज्वाला का जयकार किया और स्वागत किया और तिरंगा झंडा भी लहराया। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मामले की अधिक जानकारी के लिए हम आपसे बात करते रहेंगे।